वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक पर। तो आज के इस वीडियो में जून जुलाई के महीने में आप कौन से सब्जी इस समय लगा सकते हैं उसी पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बताते हैं कि कौन कौन से वेजिटेबल के सीड इस समय आप ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी वेजिटेबल सीड ग्रो करने के लिए कुछ दिन पहले एक वीडियो लाई थी भिंडी पर, वो तरीका आप अपना सकते हैं। इस तरह के कपड़े वाले थैले में सीड को रख कर कुछ देरी के लिए आप भिगो लें, उसके बाद किसी गमले में दबाकर आप रख दें और 2 से 3 दिनों में ही आपके सीड जर्मिनेट हो जाएंगे। तो ये तरीका आप अपना सकते हैं सीड जर्मिनेशन के लिए। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से इस समय आप वेजिटेबल सीड जर्मिनेट कर सकते हैं। सबसे पहला जो वेजिटेबल मैं ले रही हूँ वो है बीटर गार्ड करेला। इस समय आप चाहें तो जून जुलाई के महीने में आप बीटर गार्ड करेला के बीज लगा सकते हैं। और ये जो आप देख सकते हैं ये मैं जून के महीने में ही लगाई हूँ घर से निकाले हुए करेले के कच्चे बीज से। और इसका भी वीडियो भी मैं शॉर्ट वीडियो में डाली हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। या फिर ऑनलाइन करेले के बीज आप लाकर इस समय ग्रो कर सकते हैं। और किस प्रकार से ग्रो करनी है बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर बने हुए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो इस समय आप बीटर गार्ड करेला के बीज लगा सकते हैं। और दूसरा जो सब्जियां इस समय ग्रो कर सकते हैं वो है, ये देखिए, पोई साग। इस समय आप चाहें तो इसके बीज लगा सकते हैं या फिर इसके डंठल को काट के कहीं से भी ला के आप अपने गार्डन में लगा लें तो अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं। सबसे पहले इस पोई साग को मैं डंठल के माध्यम से ही लगाई थी और कुछ दिनों के बाद इसमें ढेर सारे बीज बन गए, यानी कि अब ये प्लांट मेरे गार्डन में पूरे भर चुके हैं अपने आप ही बीज गिराकर। ये जितने सारे आप जो प्लांट देख रहे हैं अपने आप ही ग्रो कर गए हैं। तो इस समय पोई साग के बीज भी आप चाहे तो ग्रो कर सकते हैं। और तीसरा जो सब्जियों के बीज इस समय आप ग्रो कर सकते हैं वो है लौकी, कद्दू। तो इस समय कद्दू के 2 वैरायटी होते हैं, गोल वाले, लॉन्ग वाले, दोनों ही वैरायटी इस समय उसके बीज आप ग्रो कर सकते हैं। एक और कद्दू जिसे पम्पकिन, मीठी कद्दू, उसके भी बीज इस समय आप ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो सभी बीज मैं फरवरी में ही लगाई थी लेकिन अभी भी इसमें लौकी आ रहे हैं और कितने ही लौकी मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, कुछ हार्वेस्टिंग वीडियो आप लोगों के साथ शेयर भी की हूँ। तो इस समय आप लौकी के बीज भी इस समय ग्रो कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो बीज इस समय आप ग्रो कर सकते हैं वो है ककड़ी। इस समय आप चाहें तो ककड़ी के बीज भी ग्रो कर सकते हैं और 1 मंथ में ही इसमें बीज लगाने से 1 से 2 मंथ में ककड़ी आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये सभी जो पौधे बेल वाले पौधे देख रहे हैं ये फरवरी में ही लगाई थी लेकिन अब इसमें ककड़ी आ रहे हैं और तेज़ गर्मी के कारण कुछ प्लांट सूख भी रहे हैं। तो इस समय ककड़ी के बीज भी लगा सकते हैं। और अगला जो बीज सब्जियों के बीज मैं ले रही हूँ वो है बोरा, जिसे आप लोबिया भी कहते हैं। इस समय आप चाहें तो लोबिया के बीज भी ग्रो कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक लोबिया जैसे मिलते जुलते बीन्स भी इस समय आप चाहें तो ग्रो कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो बीज आप इस समय ग्रो कर सकते हैं वो है ब्रिंजल बैंगन के सीड। आप चाहें तो इस समय कुछ बैंगन के पौध को खरीद कर भी अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं या फिर सीड के माध्यम से भी ग्रो कर सकते हैं। बैंगन को किस प्रकार से सीड से ग्रो किए जाते हैं उस पर भी मेरे वीडियो बने हुए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। और इस समय आप चाहें तो कुछ लीफी प्लांट जैसे पालक हो, लाल साग हो, उसके बीज भी आप ग्रो कर सकते हैं। ये पालक के बीज जो आप देख रहे थे छोटे छोटे पौध मैं बीज के माध्यम से ही ग्रो की थी
और ये बीज आप जो देख रहे हैं, एक घर के ही पालक को मैं लगाई थी मार्केट से लाकर, एक पौध मैं गमले में लगाती थी और उससे ही उसमें बीज तैयार हो गए। और ये नेक्स्ट जो इस समय आप बीज लगा सकते हैं वो है टमाटर, टोमेटो के बीज। इस समय आप देख सकते हैं मैं बीज टमाटो के बीज फरवरी में ही लगाई थी, लेकिन बहुत सारे पौध सूखने लगे हैं, तो इस समय टमाटर के बीज भी ग्रो कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो बीज आप इस समय ग्रो कर सकते हैं वो है भिंडी, लेडीज फिंगर। इस समय आप चाहें तो लेडीज फिंगर के बीज भी ग्रो कर सकते हैं। ये भी पौध रेनी सीजन और विंटर तक अच्छी तरह से आपको गार्डन में सब्जियां देते रहेंगे, तो इस समय लेडीज फिंगर के बीज भी ग्रो कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो बीज आप वेजिटेबल सीड ग्रो कर सकते हैं वो है तोरी और नेनुआ, जिसे रिज गार्ड भी बोलते हैं, तो इस समय आप तोरी और नेनुआ के बीज भी इस समय ग्रो कर सकते हैं। और बीज लगाने का तरीका मेरे चैनल पर अलग अलग तरीक़ों से बताए गए हैं, आप चाहें तो उस पर जाकर देख सकते हैं। तो इस समय तोरी और नेनुआ के बीज भी लगा सकते हैं। इस समय आप चाहे तो कुछ मिर्च के पौधे भी आप ग्रो कर सकते हैं मिर्च के बीजों से। तो ये कुछ वेजिटेबल पौधे जो इस समय जून जुलाई के महीने में ग्रो कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।